Hello guys, welcome once again to a new video. This is a bulb and I am going to put it underwater. So this is very dangerous. You don't try this. So I light this bulb and I tie it the wood. So let's get started. इतनी इंग्लिश काफी है, अभी हम अपनी मातृभाषा पर आ जाते हैं। सेफ्टी फर्स्ट। तो आप लोग देख सकते हो मैं इस लकड़ी की सहायता से इस बल्ब को इस पानी के अंदर डालूंगा। सो ये बल्ब जल चुका है यहाँ पर। सो 3, 2, 1 ओ ओ भाई साहब, यहाँ पर ये बल्ब पानी के अंदर जल रहा। ओहो ओ भाई साहब, गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो बल्ब है वो इस पानी के अंदर भी जल रहा है। ओ भाई, चलो फिर से एक बार फिर से डालते हैं। यहाँ पर पानी के अंदर भी ये बल्ब जल रहा है, ये तो काफी कमाल है गाइस। ये गर्म नहीं है ना, इसलिए अभी थोड़े गर्म। अगर वो भाई साहब धुआं निकल रहा है। ओ हो हो, ओ नो नो, देख अभी कुछ भी हो सकता है गाइस। कमाल की बात तो ये है कि बल्ब अभी भी जल रहा है। मैंने टैपिंग अच्छी तरीके से की थी जिसकी वजह से कोई भी पानी की इश्यू नहीं है या पानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। डायरेक्टली अगर मैं तार ही लगाता और टैपिंग नहीं करता ऊपर तो शायद यहाँ पर कुछ अलग हो जाता, शॉर्ट हो जाते तार। A few moments later. ओ भाई साहब, करीब आधा घंटा हो गया लेकिन ये बंद नहीं हुआ। ये पानी के अंदर इजीली जल सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो ऊपर का कांच है उसको मैं तोड़ देता हूँ और उसकी जो अंदर जो जल रहा ना ये उसको ही रहने देता हूँ। चलो हो गया गाइस, ये जो बल्ब है वो यहीं पे है और चालू भी है। लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। इसको देखो डुबकिया दे रहा हूँ मैं, फिर भी ये बंद नहीं हो रहा। चलो इसका जो शीशा है इसको तोड़ते हैं और उसके बाद इसको वापस ट्राई करते हैं। नहीं, लाइट ही टूट ना जाएगा। ओ नो, अरे यार ये क्या हुआ। अरे यार हल्की सी चोट में ये तो टूट गया। नो भाई साहब, कुछ गड़बड़ हो गए यहाँ पर। तो जला ही नहीं, इसके अंदर डालता हूँ। फेल हो गया। तो दोस्तों ये तो पता चल ही गया कि पानी के अंदर भी बल्ब जल सकता है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने अभी जलाया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।